गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज हम व्यावसायिक क्रियाओं के वर्गीकरण के बारे में जो पढ़ रहे थे, हमारा टॉपिक चल रहा था और इसमें हमने व्यावसायिक क्रियाओं को दो भागों में बांट के पढ़ रहे थे। पहला उद्योग और दूसरा वाणिज्य। उद्योग के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, आज हम वाणिज्य के बारे में पढ़ेंगे। और वाणिज्य में क्या शामिल है? व्यापार और व्यापार के सहायक जितनी भी गतिविधि होती है उन्हें वाणिज्य में शामिल किया जाता है। ठीक है, तो एक सवाल ये आता है कि व्यापार क्या होता है? व्यापार जिसमें एक क्रय विक्रय गतिविधि होती है, विनिमय कार्य होता है और मतलब कि लाभ कमाया जाता है, क्रय विक्रय के बदले लाभ कमाया जाए, वो व्यापार है। व्यापार को हम दो भागों में बांटते हैं, आंतरिक व्यापार और बाह्य व्यापार। एक देश की सीमाओं के अंदर होने वाला व्यापार आंतरिक व्यापार की श्रेणी में आता है और वो व्यापार जो एक देश की सीमाओं के बाहर किया जाए वो बाह्य व्यापार है। बात की जाए आंतरिक व्यापार की तो आंतरिक व्यापार को दो भागों में बांट के पढ़ते हैं, एक थोक व्यापार दूसरा फुटकर व्यापार। थोक व्यापार क्या होता है कि जो बड़ी मात्रा में वस्तु का क्रय विक्रय जिसमें किया जाता है, ज्यादा मात्रा में वस्तुओं का लेन देन होता है वो थोक व्यापार है, मतलब ज्यादा मुद्रा का लेन देन होगा। ऐसे ही फुटकर व्यापार छोटे स्तर का व्यापार जिसमें क्रय विक्रय विनिमय कार्य कम मात्रा में किया जाता है। ठीक है, और इसके बाद बात की जाए बाह्य व्यापार। एक तो आयात व्यापार, अगर मान लीजिए हम विदेशों से वस्तु को खरीदते हैं तो वो आयात व्यापार है, और अगर विदेशों को वस्तु बेचते हैं तो वो निर्यात व्यापार, और अगर निर्यात करने के उद्देश्य से कोई वस्तु आयात की जाए तो वो पुनर्निर्यात व्यापार कहलाता है। व्यापार के सहायक, वैसे व्यापार की जो गतिविधि है, व्यापार क्रय विक्रय गतिविधि जो लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाए और उसकी मदद के लिए कई सारी गतिविधि और की जाती है, इसमें लिखा हुआ जैसे परिवहन, क्योंकि वस्तु एक जगह से दूसरे जगह पर व्यापार जब करेंगे तो वस्तु एक जगह से दूसरे जगह पर जाएगी। स्थान उपयोगिता का महत्व है, मतलब स्थान पर वस्तु होनी चाहिए, वो किससे होगी? भंडारण, मतलब परिवहन के माध्यम से होगी। भंडारण किसके उद्देश्य से? कि वस्तु जहाँ पर रखी जा सके, मतलब एक ऐसा स्थान जहाँ पे वस्तु सुरक्षित रह सके, मतलब कि वातावरण का और कई तरह का मतलब जोखिम उसमें ना हो, नुकसान ना हो सके। बीमा क्या होता है कि संभावित जोखिमों से बचने के लिए प्रीमियम के बदले बीमा करा लिया जाता है, मतलब कि वस्तु को विषय वस्तु को अगर कोई भी नुकसान होगा तो उसकी भरपाई बीमा कंपनी से करवा ली जाएगी। बैंकिंग और वित्त क्या होता है कि वित्त संबंधी कार्यों के लिए, जैसे मान लीजिए लोन की आवश्यकता हो, अधिविकर्ष की आवश्यकता हो या किसी भी तरीके से व्यवसाय क्रिया के लिए वित्त की आवश्यकता है तो बैंकिंग और वित्त इस सेवा को देंगे। और विज्ञापन क्या होता है कि मतलब संभावित ग्राहकों को सूचित करने के उद्देश्य से मतलब विज्ञापन किया जाता है, क्योंकि निर्माता सभी ग्राहकों के संपर्क नहीं कर सकता, उस वो विज्ञापन के माध्यम से अपनी वस्तु के बारे में जो संभावित क्रेता है उन सभी को बताता है, मतलब कि उसे बेचने के लिए विज्ञापन का कार्य करता है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने वाणिज्य को समझा। अगर आपको कोई परेशानी है तो आप बता सकते हैं। धन्यवाद।